ओके देन नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। सो जैसा कि आपको पता होगा कि द ऐतिहासिक इंडिया टूर हैज जस्ट एंडेड एंड एक काइंड ऑफ जोश के साथ हम लोग ने स्टार्ट किया था ये इंडिया टूर एंड फाइनली 4th ऑफ अप्रैल हमारे सारे सेशंस कंप्लीट हो गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ एक क्विक डिस्कशन कर लिया जाए दैट हाउ इट ऑल वेंट एंड क्या लर्निंग्स थी एंड एज अ स्टूडेंट अगर आपने वो अटेंड किया है एंड अगर आपने वो अटेंड नहीं भी किया है देन आप उससे क्या क्या चीजें सीख सकते थे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। प्लस सर क्या ये आप इसका रिकॉर्डिंग अपलोड करोगे क्या? सो लेट मी टेल यू, मैंने इसका रिकॉर्डिंग मेरे पुणे वाले बैच में किया था एंड कुछ रिकॉर्डिंग्स अच्छा हुआ है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हम लोग उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना अच्छा हुआ है डेफिनेटली मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो मोस्टली कल तक मुझे एक अपडेट मिल जाएगा। इफ ऑल इज वेल देन इन दैट केस कल का कल ही वो अपलोड हो जाएगा, इफ नॉट देन जितना जल्दी हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूं टू गिव इट ऑल टू यू। ठीक है, उसके कुछ नोट्स है जो ऑलरेडी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे चल रहे हैं, सो उसमें जो मेरे पर्टिकुलर नोट्स है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, डेफिनेटली टेक इट फ्रॉम देयर। कुछ लर्निंग्स जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूं बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत मजा है हम लोग को। जिसने भी ये सेशंस अटेंड किया है ऑल ऑफ अस नो दैट पूरा वो जो 9 to 10 hours ऑलमोस्ट 10 hours मैंने हर एक सिटी में ले ही लिया था, वी गेव आर 200% एंड एंड तक हम लोग का वो जोश बना रहा था। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन हमने पूरा किया, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन पूरा किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो अदरवाइज खुद से आप ना कर पाओ बट दैट ऑल्सो वी डिड अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 sums रिलेटेड टू मार्केट साइज, मार्केट शेयर, प्लानिंग एंड ऑपरेशन वगैरह, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद एबीसी, रिकंसिलिएशन एंड इट वॉज ऑल अ गुड लर्निंग। सो जैसा मैंने बोला जितना हो सकता है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, नॉट टू वरी। बट क्या लर्निंग्स थी? सबसे पहला इशू जो स्टूडेंट फेस कर रहा था जो मुझे रियलाइज हुआ इसके सर केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करना है। सो गाइस एक तो जो केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है May 23 एग्जाम के लिए, कितनी केस स्टडीज करके जानी है उसका मैं लिस्ट कल शेयर करने वाला हूं। जी हाँ, तो लिस्ट मैं YouTube चैनल पे आप लोग के साथ शेयर एंड डिस्कस करूंगा एंड उसका जो PDF है वो आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब रहना, वो बेल आइकन जो भी है वो दबा के रखना, बिकॉज क्या होगा पता है क्या, आप लोग के पास कई सारी चीजें आप लोगों को पता ही नहीं चलती बिकॉज प्रॉब्ली आइदर यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड और यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो प्लीज उसको कनेक्टेड रहना एंड टिल योर एग्जाम्स अब रेगुलरली मिलते रहना होगा अपने को YouTube के ऊपर थ्रू SCMP, थ्रू SFM, सो बोथ के जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं डेली बेसिस पे शेयर करते रहूंगा फॉर श्योर। सो कल केस स्टडीज कौन सी इंपॉर्टेंट है केस स्टडी डाइजेस्ट में या आपके मॉड्यूल में वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। हाँ, बट केस स्टडीज लिखनी कैसी है उसके लिए जो ये चार चीज मैं लिख रहा हूं प्लीज इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना व्हेन यू आर राइटिंग योर केस स्टडीज ऑफ SCMPE। देखो एंड ऑफ द डे आपको थ्योरीज याद रखनी है, जो भी आप केस स्टडी अटेम्प्ट करो। एक जो इशू आया स्टूडेंट का कि सर कनेक्ट नहीं हो पाता है कि कौन सा केस स्टडी कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो उसके लिए जब आप 2-3 बार पढ़ लोगे जो मैं आपको केस स्टडीज बता रहा हूं उसको आप जब पढ़ लोगे फिर उसको ये चार फेज में डिवाइड करके आपको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट इज इशू, सेकेंड इज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। तो जो भी क्वेश्चन होगा, से फॉर एग्जाम्पल November 22 में क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी वाला बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड था, तो उसमें फीड फॉरवर्ड फीडबैक या जो भी आप लोग के क्वेश्चंस आए हैं उससे कनेक्ट करके आप लोग को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा एंड देन यू विल कम टू द केस एंड उसको फिर केस से कनेक्ट करना है। या उसके पहले एक बार सप्लाई चेन मैनेजमेंट से ऊपर केस स्टडी आ गया था, उसके पहले से EFQM के ऊपर अगर आ गया, सो जो भी केस आता है वो केस को समझो, पढ़ो, पहले इशू जो भी वो कंपनी फेस कर रही है उसको लिख लो एंड देन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। यहां पे थ्योरी आप लोग का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सो दैट आप एग्जामिनर को बता दो कि हाँ भाई मेरा थ्योरी जो केस से रिलेटेड है वो बहुत अच्छी तरह से मुझे आता है। फिर कनेक्ट के कॉन्सेप्ट विद द केस एंड लास्ट में कंक्लूजन या रिकमेंडेशन इज अ मस्ट, बिकॉज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है तो वो इसीलिए आया है कि उसको कुछ कंक्लूजन मिल सके। तो कई बार अपन चीजें लिख लेते हैं बट कंक्लूजन लिखना रह जाता है, डू नॉट डू दैट मिस्टेक। सो प्लीज कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन भी लिख कर आओ, बाकी जैसा जैसा आपको केस बोल रहा है और कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक उसने क्वेश्चंस पूछे तो उसको आंसर भी आप लोग को करना पड़ेगा। बट ये चार चीजें
इशू, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, कनेक्ट कॉन्सेप्ट विद द केस एंड लास्ट में कंक्लूजन या रिकमेंडेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ मस्ट. ये जो कंक्लूजन रिकमेंडेशन है आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास, राइट गाइज. सो प्लीज इसको फॉलो करना सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स. नेक्स्ट है थ्योरी. बॉस एटलीस्ट 2 से 3 रिविजन अपने को थ्योरी के करने पड़ेंगे सो दैट दिमाग में चीजें सेट होती जाए. एंड डू नॉट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन. मैंने मेरे जो फेस टू फेस जो मैराथन था उसमें भी स्टूडेंट्स को यही बोला कि यार हर एक चैप्टर का, मैंने तो थ्योरी का मैजिक रिविजन दिया हुआ है आप लोगों को, प्रैक्टिकल का भी हर एक चैप्टर का दिया हुआ है, चाहे विद कॉस्टिंग है 10 मिनट्स वाले कॉन्सेप्ट, जब ये सब चीजें हैं और आप लोग तो 1.5 की स्पीड पे देख लेते हो तो वाई टू लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन. नवंबर 22 क्लासिक एग्जांपल था, अपन बजटरी और स्टैंडर्ड दोनों ऑप्शन में छोड़ते हैं, उसमें से ही 50-60 मार्क्स का आ गया. तो ऐसा कुछ वापस ना हो एंड आप लोग के 6 मंथ्स वेस्ट ना हो जाए, इसलिए प्लीज गाइज एट दिस पॉइंट इन टाइम यूज दिस. अगेन टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, प्लीज इसको यूज करो टू योर मैक्सिमम बेनिफिट. ओके, अगर आप लोग को YouTube पे देखना है देन इन दैट केस YouTube पे देखो, पूरा ये प्लेलिस्ट बना हुआ है हर एक चैप्टर का. थ्योरी का अलग से है, प्रैक्टिकल का अलग से है एंड चाय विद कॉस्टिंग अलग से है. सो प्लीज डू नॉट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन. थ्योरी 2-3 बार तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा, उसको सुनने के बाद यहां पे देखो रिमेंबर और राइट कीवर्ड्स, लिखना पड़ेगा खुद से. भाई आप कितना भी अच्छी तरह से मेरा रिवीजन लेक्चर सुन लो या मैजिक बुक आप पढ़ लो, बट जब तक खुद का लिखा हुआ नहीं होगा ना तब तक सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर नहीं हो रही है, तो प्लीज यहां पे मत रुक जाना एंड उसके कीवर्ड्स खुद से लिखते रहना, तब जाके चीजें याद रह जाएगी और फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा. स्पेशली अभी जब अगर मैं अभी देखो मेरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन का, तो मोस्टली जो लाइव मैंने लिया था वो तो मेरा रिकॉर्डेड है प्रॉपरली, तो वो जब आप सुनोगे ना तो हम लोग ने पूरा चैप्टर ही लर्न कर लिया और इतनी अच्छी तरह से लर्न कर लिया एक एक बार रिवाइज कर करके दैट वो चीजें ध्यान में रह गई. फिर ऑन द स्पॉट मैंने क्लासरूम में ही मैराथन में वो सब जो भी मेरे डायग्राम्स थे, जैसे परफॉर्मेंस पिरामिड हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हो गया, वो हम लोग ने बना लिए थे, तो इसलिए स्टूडेंट्स को सब याद रह गए. सो प्लीज आप वो बाकी सब चैप्टर्स में भी तो फॉलो करो, सो दैट विल बी यूजफुल. एटलीस्ट 2 पेपर लिखना है अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो, मतलब अगर आपका खाली ग्रुप 2 है और आपने SCMP जैसा सब्जेक्ट जिसमें इतना स्टूडेंट्स को पास होने में प्रॉब्लम हो रहा है उसका अगर आप 2 पेपर नहीं लिखोगे देन इन दैट केस नहीं चलेगा बॉस, यू हैव टू डू इट गाइस. प्लीज कैसे भी करके टाइम निकालो. आई नो जब पढ़ रहे होते हैं तब लगता है कि अरे यार और थोड़ा टाइम मैं ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ, उससे अच्छा नहीं लिख लेता हूँ पेपर. डोंट डू दैट मिस्टेक. राइटिंग 1 पेपर विल डेफिनेटली इंक्रीज एटलीस्ट 5 मार्क्स इन दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट, तो प्लीज उसको लाइटली मत लो. एक दिन अपने आपको डिसिप्लिन करके देना है एंड मैं बोल रहा हूँ कोई टेस्ट सीरीज नहीं भी लिया है चलेगा यार, मैं बोल रहा हूँ पास पेपर उठा लो, MTPA इंस्टीट्यूट का वो उठा लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोर्स का जुगाड़ हो ही जाएगा. प्लीज एंश्योर दैट यू आर राइटिंग इट, उस बहाने आप 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना सीखोगे. ये बार कितने सारे स्टूडेंट्स आके बोले सर मैंने ना 70 मार्क्स अटेम्प्ट किया उसमें से मुझे 40-45 आ गया, तो भाई और 30 मार्क्स अटेम्प्ट कर लेता देन डेफिनेटली यार 10 से 15 मार्क बढ़ जाता विच कैन बी अ बिग गेम चेंजर. RTP लास्ट 2-3 अटेम्प्ट के देख लो, मेरे को पर्सनली लग रहा है कि May 21, May 22 के RTP में से ये बार क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, बिकॉज इमीडिएट RTP का शायद ना पूछे बोलो, वो भी स्मार्ट है, बट 2-3 अटेम्प्ट जो हो चुके हैं उसका इंस्टीट्यूट को लगेगा कि यार अब बच्चा भूल गया है ये 2-3 पुराना वाला RTP, तो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक. आपको वो करके जानी है. RTP May 22 वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक RTP May 21 वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे अगर लग रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा. प्लीज यूज इट टू योर बेस्ट बेनिफिट एंड जैसा मैंने लिखा है रिमेंबर टू राइट द कीवर्ड्स. तो प्लीज एक आप लोग की तरफ से अश्योरेंस ये इन कमेंट्स दैट आई होप यू गाइज आर गोइंग टू फॉलो दिस. और कुछ आप लोग को मेरी तरफ से चाहिए प्लीज कमेंट में शेयर करते रहो सो दैट मैं उसको पढ़ के इम्प्लीमेंट करते रहूं. एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु वर एबल टू टेक आउट टाइम एंड अटेंड द सेशन. दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, क्राउड था, जयपुर, कैलकाटा, इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे एंड फिर बाद में और भी जगह जाने का मन था. काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर चेन्नई भी आ जाते हैं, बैंगलोर भी आ जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. नेक्स्ट टाइम लेट्स सी, होपफुली इट विल बी डेफिनेटली इन योर सिटी
तब आप अपने जूनियर्स को जरूर रेकमेंड कर सकते हैं. सो ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी वेरी गुड सेशंस दैट वी हैड. बट अब टाइम आ गया है अपना दैट वी गिव आर बेस्ट. सो ये हमारा आई थिंक हैदराबाद का सेशन था. दिस वॉज मुंबई, दिस वॉज अहमदाबाद जहां पे हम लोग ने चाय विद कॉस्टिंग यूज किया. सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो मिलते हैं बहुत जल्द. अब तो आप लोग अपने आखिरी पड़ाव पर हो. आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट एंड क्लियर कर लोगे एग्जामिनेशन. सो प्लीज इन बातों को फॉलो करना. ये जो पीडीएफ है ये भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ ऑन माई टेलीग्राम चैनल. सो आप लोग इसको यूज कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे एंड बाकी और चीजों के साथ. जैसे मेरा अभी केस स्टडीज है उसके ऊपर मैं कंटेंट पे काम कर ही रहा हूँ. तो केस स्टडी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये बार एक्सपेक्टेड है जो आपको करके ही जाने हैं क्योंकि केस स्टडी डाइजेस्ट में और सब मिला के बहुत सारे केस स्टडीज है. इतना टाइम आपके पास नहीं है, बहुत जंबल अप हो रहा है. ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले जो सब कवर करते हैं उसका लिस्ट आ जाएगा आपके पास कल. ठीक है, चलो गाइस स्टे कनेक्टेड. और कुछ आप लोगों को चाहिए कमेंट पे बताइए. हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.